आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल माई आई वी एफ जर्नी पर। मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, देखिए मेरे को जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रेगनेंसी से पहले मुझे फाइब्रॉइड्स थे, एंड्रोमेट्रोसिस एंड्रोसल्फिन था, और मेरी लेप्रो भी हुई है, मेरी हिस्ट्रोस्कोपी भी हुई है 4 बार। तो वो सब मैंने आपके साथ शेयर किया था, लेकिन अब फिर से मुझे एक सिस्ट हो गई है। उसमें देखिए आपको हर चीज़ के लिए खुद अवेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और जितना हो सके उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए। तो देखिए मैं यहाँ पर अपनी रिपोर्ट भी डालूंगी सारी की सारी, और मुझे कौन सी सिस्ट हुई है वो भी मैं आपको बताऊंगी। देखिए मेरे पास ये रिपोर्ट है जो मेरी लेप्रो की रिपोर्ट का है, मेरे पास हर एक चीज़ की रिपोर्ट है। ये पहली डॉक्टर ऐसी थी मेरे पास जो है जिन्होंने मुझे रिपोर्ट्स तो दी थी, लेकिन वो सारी की सारी जो रिपोर्ट्स दी थी वो सिर्फ एक ही पेज पे पूरा का पूरा उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया था। तो पहली ऐसी डॉक्टर थी, लेकिन मैंने फिर भी उनसे रिपोर्ट मांगी थी, और यहाँ तक कि मैंने उनसे व्हाट्सएप पे भी पिक्स भी मांगी थी कि जो मुझे फाइब्रॉइड्स है उसकी पिक्स मुझे दीजिए, वो भी मैं यहाँ पर डाल दूँगी। ठीक है, तो अब मैंने अपना अल्ट्रासाउंड दोबारा से करवाया। देखिए बच्चे छोटे हैं अभी, तो मुझे ये टेंशन होती है कि जो फाइब्रॉइड्स हैं वो क्योंकि मेरी जो क्योंकि ये जो होता है ना फाइब्रॉइड्स वगैरह, वो हमें जो है जनरेशन टू जनरेशन भी हो जाता है, जैसे कि मेरी मासी, मेरी नानी, मेरी मम्मा और मुझे भी फिर उससे हो गया। और जो मेरी नानी थी उनको तो कैंसर भी बन गया था, और मेरा भी जब ये होना था IVF होना था तो उससे पहले कैंसर का भी टेस्ट हुआ था, तो जो सही आया था हिस्ट्रोस्कोपी में पीस लेकर टेस्ट हुआ था, अंदर से पीस लेते हैं और फिर उसको जो है लैब में चेक कराया जाता है कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, क्योंकि सिस्ट में इस चीज़ का होने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। और मैं आपको बताऊं, जिन जिन को भी एंड्रोमेट्रोसिस है वो बिल्कुल भी वेट मत कीजिए, क्योंकि एंड्रोमेट्रोसिस में जितना आप वेट करेंगे उतने ही चांसेस कम होते जाएंगे प्रेगनेंसी के, और उतने ही चांसेस IVF के भी फेल होने के रहते हैं। एंड्रोमेट्रोसिस बहुत ही जो है कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, जो मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। मैंने उसके बारे में बहुत सर्च किया, बहुत डॉक्टर्स को दिखाया, बहुत पूछा, मुझे समझ में ही नहीं आया। लेकिन आपको मैं बताऊंगी कि मेरे एंड्रोमेट्रोसिस के साथ भी क्या हुआ है। अब मुझे फिर से एक सिस्ट हो गई है। मैंने जो था जहाँ मैंने ऑपरेशन करवाया था, ऑपरेशन के ऊपर जहाँ मुझे टांके लगे थे, सिजेरियन हुआ है, उसके ऊपर जो है मुझे एक गिल्टी सी महसूस हो रही थी, तो काफ़ी दिनों से महसूस हो रही थी। मैंने बिल्कुल इस चीज़ का वेट नहीं किया, एक बच्चे को मैं साथ लेकर गई, एक बच्चे को मैं छोड़ कर गई हस्बैंड के पास, अपनी मदर इन लॉ के पास, और जो है फिर मैं चली गई उसे लेकर। उसकी भी मेडिसिन लेनी थी, उसे जुकाम हो रखा था। तो फिर जब मैंने वहाँ से अल्ट्रासाउंड करवाया, और मैंने दो तरह के अपने अल्ट्रासाउंड करवाए, TVS और एक पेट से अल्ट्रासाउंड। मैं बिल्कुल इस चीज़ के बारे में नहीं सोचती हूँ, घबराती नहीं हूँ, और बिल्कुल वेट भी नहीं करती हूँ, और मैंने अपनी प्रेगनेंसी में भी ऐसे ही किया है। तो मैंने अल्ट्रासाउंड अपना पूरा लीवर से लेकर जो है गॉल ब्लैडर, CBD, यहाँ मैं आपको दिखाऊँगी, गॉल ब्लैडर लीवर, गॉल ब्लैडर है, और CBD, पेंसिलिस, स्पेलिन और स्प्लीन, किडनीज, यूरिनरी ब्लैडर, यूट्रस, ओवरी, और ये सारा जो है मैंने सारा अपना टोटली जो है अल्ट्रासाउंड करवा लिया था, और जिसमें जो लीवर है वो बिल्कुल ठीक आया है, गॉल ब्लैडर भी ठीक है, CBD, पेंसिलिस, स्पेलिन और किडनीज बिल्कुल ठीक हैं। दोनों डाउट सा तो रहता ही है ना, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, कब कौन सी चीज़ बड़ी हो जाए। तो मैं चाह रही हूँ कि जब ये 3 साल के हों तभी ही, अगर मेरे को फाइब्रॉइड्स हैं तो अगर उसकी ऑपरेशन कराने की ज़रूरत भी पड़े तो मुझे 3 साल 4 साल के बच्चे हो जाए तभी ज़रूरत पड़े। तो मैंने ये भी अपने जो भी आप अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, मेरे पास क्वेश्चन आते हैं, देखिए मैं बीच में टॉपिक चेंज कर रही हूँ, जो भी मेरे पास क्वेश्चन आते हैं कि मैम हमारी डॉक्टर से बात नहीं कर रही है, क्यों नहीं कर रही है, अल्ट्रासाउंड जो है हमेशा MD डॉक्टर से करवाइए। देखिए ये जो डॉक्टर है वो यहाँ पर आपको उल्टा नज़र आ रहा होगा, मैं डाल दूंगी, ये जहाँ से मैंने करवाया है वो MBBS MD रेडियोलॉजिस्ट हैं। तो मेरी डॉक्टर ने जहाँ से मैंने IVF कराया था उन्होंने मुझे ये बात बोली थी कि जब भी आप अल्ट्रासाउंड कराइए आप MD डॉक्टर से करवाइए। ठीक है, तो वो MD डॉक्टर हैं, बहुत अच्छी रिपोर्ट देते हैं, मैंने IVF में उनके पास ही करवाया है। तो जब मैंने यूट्रस का करवाया, एक तो मेरा यूट्रस जो है वो एंट्रोवर्टेड है पहले से ही है, और जो मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि आपको किस टाइप की जो है वो फाइब्रॉइड है, मेरे को सब सी
सिरोसल टाइप के जो है फाइब्रॉइड्स हैं, और वो 1.5 × 1.3 सेंटीमीटर के हैं, और वो जो है बाहर की साइड है, इससे ज़्यादा उसके, इसलिए मेरी जो प्रेगनेंसी है उस पर इफेक्ट नहीं पड़ा। जब मेरे लेप्रो हुई थी तो उन्होंने मुझे ये कंफर्म कर दिया था। फिर उसके बाद जो एंड्रोमेट्रोसिस, जो मेरी एंड्रोमेट्रियम लाइनिंग उस टाइम बनी हुई थी वो 6.7 थी, मुझे 2 जो है नेबोथियन सिस्ट हो गई हैं। और ये जो सिस्ट होते हैं बिल्कुल इसका कुछ नहीं होता है, कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है। मुझे बहुत टाइम से जो है ये सिस्ट जो है अपने यूट्रस का जो मुंह है उस पर महसूस हो रही थी, तो मैंने उसको दिखाया, जब TVS कराया तो उसमें वो नज़र आ गई। वो जो सिस्ट होती है वो 4.0 mm, बहुत छोटी छोटी सिस्ट होती है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता हमारी प्रेगनेंसी पे, हमारे डिलीवरी पे, या हमारी जो है हमें इनफर्टिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन वो सिस्ट होती क्यों है मैं आपको कंफर्म कर दूँ। वो सिस्ट कई बार, जैसे हम इतने IVF कराते हैं, लेप्रो करवाई, हिस्ट्रो कराई, तो बहुत से इन्फेक्शंस हो जाते हैं जिसकी वजह से हमें ये सिस्ट हो जाती है, ये अपने आप मोल्ट हो जाती है, ठीक हो जाती है। इसकी कोई सर्जरी करवाने की या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और ये बहुत छोटी छोटी होती है। 2 मेरे को ये सिस्ट हो गई है, मुझे टेंशन हो गई थी, लेकिन जब मैंने उनसे, मैं अपने अल्ट्रासाउंड वाले डॉक्टर से भी ये बात पूछ लेती हूँ, मैंने उनसे पूछ लिया कि अब जो मुझे फाइब्रॉइड्स हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं, वो बोल रहे थे कि आपको अल्ट्रासाउंड करवाने की कभी साल में एक बार अपने हेल्थ चेकअप की तरह आप करवा लीजिए, आपको ज़रूरत नहीं है ना ही अभी कोई ऑपरेशन की ज़रूरत है। तो जो सिस्ट है वो बहुत छोटी छोटी हैं, और जो मेरा, जो मुझे आपको बता रही हूँ गिल्टी से महसूस हो रही थी, वो जो था वो एक जो है पानी इकट्ठा हो गया था, जो मुझे हाइड्रोसल्फिन है वो वाला गंदा पानी आके एक जगह इकट्ठा हो गया था, जिससे आगे फ्यूचर में, ऐसा है नहीं है फ्यूचर में आके कभी हर्निया होने के चांसेस है कुछ परसेंट, तो ये सब मैंने कराया। तो अभी मेरे इंप्रेशन में यही आया है फाइब्रॉइड्स हैं जो कि बाहर की साइड है, नेबोथियन सिस्ट है जो कि सर्विक्स में है मेरे, और माइल्ड सा जो है 1.5 × 1.1 सेंटीमीटर का जो है पानी एक इंटीरियर एब्डोमिनल में इकट्ठा हो रखा है। तो ये सारी उन्होंने मुझे अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स भी दे दी थी साथ में ही, जिसमें उन्होंने दिखा दिया था। तो ये जो रिपोर्ट्स हैं मैंने आपको आपके साथ इसलिए शेयर किए हैं कि देखिए, कोई भी फ्यूचर में प्रॉब्लम है, आपको फाइब्रॉइड्स हैं, तो आपके बच्चे जैसे ही जो हैं 1 साल के हो गए हैं, आपको फाइब्रॉइड है, एंड्रोमेट्रोसिस्ट है, बिल्कुल भी उस चीज़ को, और मेरी जो एंड्रोमेट्रोसिस्ट है वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है, अभी तक अल्ट्रासाउंड में बिल्कुल भी नज़र नहीं आई है। तो मैंने सुना है वो प्रेगनेंसी के बाद ठीक हो जाती है, लेकिन उसके लिए प्रेगनेंसी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि बीच में प्रेगनेंसी में क्या होता है कि हम बच्चों को, हमें जो है, जैसे तो मुझे 4 मंथ तक ब्लीडिंग हुई, लेकिन उसके बाद ब्लीडिंग बंद हो गई थी, तो अप्रॉक्सीमेट 5 मंथ तक मुझे ब्लीडिंग नहीं हुई, तो ब्लीडिंग नहीं होती तो वो मोल्ड हो जाती है। फिर उसके बाद हम बच्चों को फीड कराते हैं, तो कई बार हमें जो है कितने टाइम तक मेंसेस नहीं आते हैं, लेकिन मुझे टाइम टू टाइम आ गए थे, तो मेंसेस नहीं आते, उस वजह से वो मोल्ड हो जाती है। इतने टाइम तक अगर हमें मेंसेस नहीं आते हैं तो वो ठीक हो जाती है हमारी अपने आप। तो एंड्रोमेट्रोसिस बहुत रिस्की है, तो इसका हमारी सीधा हमारा इफेक्ट इनफर्टिलिटी पर पड़ता है, हमारी फर्टिलिटी पे पड़ता है। तो ये जो है करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मुझे बहुत डर लग रहा था इसलिए मैंने इसका अल्ट्रासाउंड करवा लिया। तो आप भी जो है इसके लिए बिल्कुल भी देर मत कीजिए, अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवा लीजिए। तो जितना आपको मैं नॉलेज दे सकती थी, देखिए मैंने आपको दी है, और लेप्रोस्कोपी की IVF में ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर आपको कॉम्प्लिकेशंस हैं तो करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उससे बहुत सारी जो है डीपली चीज़ों का पता चल सकता है। क्योंकि फाइब्रॉइड्स का मैंने इतने अल्ट्रासाउंड करवाए लेकिन मुझे कभी पता नहीं चला, लेकिन इसमें मुझे पता चल गया था। मैं आपको पिक्चर्स भी दिखाऊंगी, और अपने डॉक्टर, चाहे वो अल्ट्रासाउंड वाले हैं, चाहे वो IVF के हैं, चाहे वो नॉर्मली डॉक्टर को आप दिखा रहे हैं, चाहे वो PGI के डॉक्टर हैं, अपनी एक एक बात आपको क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, ये इन्फॉर्मेशन आपको मेरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे औरों के साथ भी शेयर कीजिए, जितना हो सके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए भी। तो मैं आपसे यही, देखिए मैं आपके लिए वीडियो बनाती हूँ, और मुझे सिर्फ यही होता है कि आप जो है सब्सक्राइब करवाइए, मुझे सपोर्ट सिर्फ इसी चीज़ से मिलेगा। तो प्लीज़ आपके एक क्लिक से मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्प मिलेगी, तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब कराइए। तो यहीं पर अपनी वीडियो का एंड करते हैं। राधे राधे।